हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले, जैसा कि अभी आप लोग मतलब अपना कल ही जो होगा चेक कर लिए थे रिजल्ट की कौन सा आप डिवीजन आए हैं, और बहुत सारे अभी जो चेक ही नहीं कर पाए कि किस सब्जेक्ट में मेरा कितना नंबर आया और हम मतलब कितना पूरा नंबर टोटल आया, ताकि हम परसेंटेज वगैरह सारा कुछ निकाल सके। यानी सिर्फ अभी जो जो अभी जान पाए कि हम फर्स्ट डिवीजन आए, सेकेंड या थर्ड या फेल आए, तो कितना नंबर आए वो जानने के लिए आपको आज के इस लास्ट वीडियो इसको लास्ट तक देखना होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना सारा नंबर चेक कर पाए तो आपको नीचे में कमेंट भी करना है। मैं एक लाइव वीडियो लेकर आऊंगा और अपना रोल नंबर रोल कोड देके आप मुझसे भी चेक करवा सकते हैं, नहीं तो आप उसके वीडियो में हम फुल ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रोम इंटरफेस आ ब्राउजर को जाएगा, आपको ओपन सर्च कर जाना करना है और यहाँ पे सरकारी रिजल्ट सर्च करना है। मैं चलिए यहाँ पे करता हूँ सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम, आपको सर्च करना है, सबसे ऊपर में साइट आ जाएगा, नहीं तो सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम का आपका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और उसके बाद जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे तीन ऑप्शन आ जाएगा, रिजल्ट, एडमिट कार्ड और लेटेस्ट जॉब का। तो आपको रिजल्ट वाले सेक्शन पे आना है। सबसे अभी टॉप पर यही चल रहा है, बिकॉज अभी यही आए बिहार बोर्ड क्लास 10th में मैट्रिक रिजल्ट 2021 डिक्लेयर्ड। तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का आपके सामने इंटरफेस आएगा। तो आपको नीचे सिर्फ आप स्क्रॉल अप करते जाना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे दो तीन इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आपको लिखा खड़ आएगा डाउनलोड क्लास 10 मैट्रिक रिजल्ट सर्वर 1 और सर्वर 2। तो आपको दोनों में से जो भी सर्वर आपके फोन में काम करे वही कर देना है। कल यहाँ पे पूरा यहाँ पे मतलब सर्वर डाउन था, तो सर्वर 1 पे ही पहले आपको क्लिक करना है, नहीं वर्क कर रहा है तो सर्वर 2 पे। आज यहाँ पे सभी का वर्क कर रहा है, आप आसानी से यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ऊपर में रोल कोड दिख जाएगा, तो चलिए मैं अपना यहाँ पे रोल कोड यहाँ पे इंटर करता हूँ। और उसके बाद रोल नंबर आपको यहाँ पे इंटर करना रहता है, तो चलिए मैं यहाँ पे जो है अपना रोल नंबर इंटर कर दिया। और यहाँ पे आपको एक कैप्चा मिल जाएगा, तो ऐड करने का है तो ऐड कर देना। कितना है, 9 + 7, तो यहाँ मैं 16 लिख देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आपके एक ऑप्शन मिल जाएगा गेट रिजल्ट्स का, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे बहुत सारे का इस टाइप का मतलब ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं इरर इन फिचिंग योर रिजल्ट्स। तो आपको क्या करना है, गेट रिजल्ट्स पे फिर से आपको एक दो बार और क्लिक करना है। तो यहाँ पे सक्सेस लिखा जाएगा ऊपर में, जैसे देख सकते हैं। यहाँ पे पहले एक दो बार आपको लोडिंग नहीं लेगा बहुत सारे, तो घबराना नहीं है कि मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है। आपको एक दो बार गेट रिजल्ट पे ही क्लिक करते रहना है, देन आपका नीचे में आ गया। आपको नीचे करते जाना है, देन आप लोग यहाँ पे सारा कुछ डिटेल देख सकते हैं। जैसे कि अभी आपको यहाँ पे अच्छी तरह से नहीं दिख रहा होगा, आई नो, इसको लिए क्या करना होगा, आपको सिंपली वहाँ पे ऊपर में एक 3 डॉट दिख जाएगा, तो इसका सबसे पहले आपको जो होगा डाउनलोड कर लेना होगा PDF, उसके बाद आसानी से आप चेक करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप लोग इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, और जैसे ही शेयर के ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे देन आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा प्रिंट का। जैसे ही प्रिंट वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे देन आपके सामने जो होगा यहाँ पे आ जाएगा आपका जो रहेगा मार्कशीट तैयार होकर आ जाएगा, जैसा कि अभी आप लोग यहाँ पे ना देख सकते हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी अगर एडिट वगैरह करना है, कट छट करना है, तो आप कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप PDF का एक ऑप्शन मिल रहा होगा, ये दो भाग में है, तो आपका एड्रेस वगैरह नीचे में आ जाएगा और ऊपर में आपका यहाँ पे सारा मार्कशीट आ जाएगा। तो आपको जो सभी पार्ट करना है उस पर आपको यहाँ पे एक बार मतलब यहाँ ले लाना है, और PDF के ऑप्शन पे यहाँ पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। देन आपके ये गैलरी में पूछेगा कि किस पार्ट में ये सेव हो, तो आपका कुछ एक अलग साइट में करना चाहते हैं तो वहाँ पे नाम वगैरह यहाँ पे नीचे में लिख सकते हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे चलिए लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे माई फोल्डर में यहाँ पे लिख दिया, यहाँ लिख दिया, और सेव के बटन पे आपको क्लिक कर देना। और उसके बाद यहाँ पे जो है आपका जो रिजल्ट हो जाएगा माई फोल्डर में सेव हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ से बैक चलता हूँ, और उसके बाद आपको मैं यहाँ पे अपने गैलरी में लेकर चलता हूँ। मैं कर सर्च कर लिया फाइल मैनेजर में, उसके बाद माई फोल्डर आ गया, यहाँ पे PDF है, और इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो देन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सारा कुछ जो है आ चुका है। और उसके बाद आप लोग को यहाँ पे जूम करके सारा कुछ दिख जाएगा। आपको अगर ग्रेस मार्क मिला होगा तो नीचे में आपको यहाँ पे सिंपली जहाँ पे आपका नंबर रहेगा वहाँ पे आपको एक यहाँ पे स्टार दिया हुआ रहेगा, यदि आपका ग्रेस मार्क आया नहीं आया तो सिंपली आपका उतना ही रहेगा। और उसके बाद आप यहाँ से जो है सारा कुछ डिटेल देख सकते हैं, स्टूडेंट्स नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, सारा कुछ यहाँ पे। और नीचे में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं किस सब्जेक्ट में आपको कितना नंबर आया है, और इंग्लिश का तो आपको मतलब ऐड होगा ही नहीं। तो और उसके बाद यहाँ पे सारा कुछ डिवीजन वगैरह सारा कुछ देख सकते हैं। तो इस मतलब वेबसाइट के थ्रू आप जो है वर्क करने लगा, अब आप अपना मार्कशीट भी इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो नीचे में आप मतलब मिल जाएगा सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम का लिंक, आप जाइए और जल्दी से चेक कीजिए। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले, बाय, जय हिंद, जय भारत।